अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको बिहारी बोटी बनाना सिखाऊंगी। बिहारी बोटी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, मैंने ये एक मुर्गी ले ली थी, उसको मैंने इस तरह की बोटियाँ बनवा ली हैं। सारी एक मुर्गी पूरी ली है मैंने, उसको मैंने इस तरह की मैंने पीसीस में मुर्गियाँ बनवा ली है, मुर्गी की बोटियाँ। और जो मसाले मैंने शामिल करने हैं, अब हमने जो मसाले शामिल करने हैं उसके लिए मैंने 2 टीस्पून मैंने सिरका लेना है, 2 टीस्पून सिरका लेना है, और मैंने 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेना है, 2 टीस्पून बिहारी मसाला मैंने लेना है, बोटी के ऊपर जो बिहारी मसाला लगता है वो लेना है, 1/2 टीस्पून हल्दी लेनी है, 1 कप मैंने दही का लिया है, ऊपर मैंने ज़ीरा भुना हुआ डाला है 1 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून मैंने जड़ा मिर्च लिया है। इन सब चीज़ों को पहले, सबसे पहले हम सिरका लगाएंगे इसके ऊपर और फिर ये मसाले मैं आपको शामिल करके दिखाती हूँ। हमने ये शामिल कर दिया है, एक बड़े बॉल में मैंने डाला है और 2 टीस्पून के करीब मैंने सिरका शामिल कर दिया है। ये सिरका मैंने इसमें शामिल किया है। अब ये दही और भुना हुआ ज़ीरा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बिस्मिल्लाह। जड़ा मिर्च जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, चाट मसाला, बिस्मिल्लाह, बिहारी बोटी मसाला और हल्दी। हमने मसाला डाला था वो हमने अच्छे तरीके से हाथ की मदद के साथ इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको बोटियों को बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने ये बिहारी बोटी के लिए थोड़ा सा मैंने जो है ना घी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब ये जैसे ही घी ज़रा सा गर्म होता है, बस 2 टीस्पून घी डाला है मैंने, और ये बोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसका एक और है तरीका बनाने का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। आज मैं आपको ये वाला तरीका सिखा रही हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो भी अगली रेसिपी बताऊंगी उसमें। सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरा चैनल पसंद करते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये घी गर्म हो गया है और हमने बिस्मिल्लाह रहमान ऐसे ही उठाना है, प्याज के साथ करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये बोटी हमने इसमें शामिल कर दी, इसमें हमने बिहारी बोटी सारी शामिल कर दी है। और अब इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। इसके अंदर दही भी है, सिरका भी है, और आधा घंटा हो गया था मैरिनेट किए हुए, फिर हमने इसको चिकन को इसके अंदर डाला है। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, फिर मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी इसको मैंने फिर क्या करना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बोटियाँ जो हैं हो गई हैं। अब अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, देखिए दही का जो पानी था वो साइडों पे आ गया, अभी हमने इसको हिलाना नहीं, अभी हमने इस तरह ही पकने देना है। और अगर हम हिलाएंगे तो बोटियों का सारा मसाला उतर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं अभी हिलाना। जब अच्छे तरीके से एक साइड से मसाला अच्छे तरीके से हो जाएगा और पानी इसका खुश्क हो जाएगा सारे चिकन का, फिर हम इसको साइड दूसरी साइड कर देंगे, ढकेंगे। कोयला मैंने एक थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है, कोयला जैसे ही गर्म होता है फिर मैं बताऊंगी इसको कोयले को किस तरह हमने धुआं देना है। बिस्मिल्लाह रखना, ये देखिए इतनी अच्छी जो है ये बिहारी बोटी तैयार हो रही है। ये देखिए बिल्कुल चिकन जो है गल भी गए, बिल्कुल इसका मसाला इतना खुश्क हो जाए कि सारा मसाला इसका बोटियों में लग जाए। थोड़ी देर के लिए अब हमने हिला दिया इसको अच्छे तरीके से, हम 10 मिनट और रखेंगे फिर आपको डिश ऑर्डर कर देंगे। मज़ेदार किस्म की बिहारी बोटी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बोटी ये तैयार हुई है, बिल्कुल मसाले के साथ। ये देखिए गोश्त भी गल गया और जो मसाला है सारा बोटियों के साथ लगा हुआ, ये देखिए। और घी जो हमने 2 टीस्पून डाला था वो भी सारा बोटियों ने छोड़ दिया, मसालों ने छोड़ दिया, सारा मसाला गोश्त के पे आ गया हुआ है। अब मैं इसको धुआं दूंगी कोयले का। ये देखिए कोयला हमने लिया है, ये कोयला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाह रखमान रहीम, ज़रा सा इसमें मैंने घी डालना है और इसको मैंने बंद कर दूँगा।
ये देखें इसमें धुआं जा रहा है। अभी हम 10 मिनट तक इसको इसी तरह रहने देंगे, ढक के रखेंगे। जैसे ही पूरे चिकन के अंदर धुआं हो जाएगा बोटी के अंदर, फिर हम इसको डिश आवर करके दिखाऊंगी। ये 10 मिनट हो गए, धुआं सारा इसमें आ गया, कोयला बंद हो गया। अब मैं इसको डिश आवर करके दिखाऊंगी। देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी बिहारी बोटी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम।